संगम नगरी प्रयागराज में जायसवाल समाज के द्वारा 14वां सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। सामूहिक विवाह समारोह के संयोजक एडवोकेट टीएन जायसवाल ने बताया कि इस सामूहिक विवाह समारोह में जायसवाल समाज के सभी वर्गों के गरीब जोड़ों का विवाह कराया गया। इस वर्ष विशेष रूप से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का मॉडल सभी जोड़ों को दिया गया, जिससे राम मंदिर मॉडल को घर घर पहुंचाया जा सके। भगवान राम पैदा हुए अयोध्या में, जहाँ उनका जन्म हुआ वहाँ पर लोगों ने जितने समाज के सनातन संस्कृत और समाज के हिंदू समाज के लोगों ने भगवान श्री राम जी के जन्म स्थल पर उनके मंदिर के निर्माण के लिए, उनका भवन निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया। किंतु हम सबका सौभाग्य है कि इस देश में ऐसे सनातन संस्कृत 140 करोड़ भारतीयों की चिंता करने वाला राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विकास की ओर अग्रसर है। सबका सम्मान है और यहाँ पर भगवान श्री राम जहाँ पर पैदा हुए वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही उसका तिथि भी निर्धारित है, 22 जनवरी को यह ऐतिहासिक दिन होगा इस देश के लिए, नहीं पूरी दुनिया के लिए, जहाँ पर भगवान श्री राम जन्म लिए, जहाँ भगवान श्री राम जी पैदा हुए वहाँ पर भव्य मंदिर राम भगवान श्री राम जी का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की स्थापना होगी। आदरणीय मोदी जी और देश के विशिष्ट लोग वहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, वहाँ पर जाएंगे और भगवान श्री राम जी का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगा। वहीं पर देश के कोने कोने में हर मंदिरों में हर जगह पर हर स्थानों पर सुंदर कांड के पाठ, हनुमान चालीसा, भजन कीर्तन, सीताराम रामायण की कथा जगह जगह पर पूरे कार्यक्रम उस देश के अंदर होंगे। वह गौरवशाली दिन होगा। उसी व्यवस्था के तहत आज यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम जी के कृपा से हमारे सनातन संस्कृति और हमारे समाज के परिवार से जुड़े हुए जयसराय समाज बंधु परिवार के द्वारा उनके सहयोग और समर्थन से उनके प्रयास से एक ऐतिहासिक अनूठा कार्यक्रम, मतलब 16 बेटियों की शादी एक साथ कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे भी यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए समस्त आयोजक पदाधिकारियों को, उनके सहयोगियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान श्री राम जी की कृपा सदैव उन परिवारों पर बनी रहे और बेटियों आगे रहें, अपना व्यापार बढ़ाएं, अपना प्रतिष्ठान बढ़ाएं और देश में समाज में अपना नाम रोशन करें। यही शुभकामनाएं के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने के लिए राम मंदिर को सभी वर वधुओं को दिया गया। विवाह में वर वधु को उनके गृहस्थी में उपयोगी सामानों को निःशुल्क दिया गया। 13 वर्षों तक सकुशल सामूहिक विवाह के आयोजनों को कराया गया है। इस वर्ष 14वां सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया गया। इस विवाह समारोह में 15 जोड़ों का विधि विधान से विवाह सम्पन्न कराया गया। इस सामूहिक विवाह समारोह का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब वर वधु को समाज की रीतियों और नीतियों से परिचित कराना। देखिए, इस बार 15 जोड़ों की शादी है और इस जयसवाल धर्मशाले में बड़े धूमधाम से संपन्न शादी संपन्न हो रहा है। जहाँ तक प्रश्न है राम मंदिर का और प्रतीक, तो इस समय पूरा देश राममय है और सब चाहता है कि वो अयोध्या जाके मंदिर का के अंदर विराजमान अपने भगवान की पूजा करें। क्योंकि अभी उसने ये भाव सुना हो, उसके प्रतीक के रूप में हम हर जोड़े को भगवान राम के भव्य मंदिर का प्रतीक चिन्ह देंगे। इसलिए कि पूरे देश में राममय माहौल है, हर आदमी चाहता है कि भगवान राम की पूजा करें और जब तक नहीं वहां जाता तब तक किसी को मंदिर मान के पूजा करेगा।